पेयजल की चर्चा में हिस्सा ले रही हूं। विपक्ष से आने वाले एक विधायक ने नाथुराम जी मिर्धा के काम की सराहना की, उनको याद किया। और मैं जानती हूं, जैसे कि आज पेयजल पे चर्चा पे मैं किरण महेश्वरी जी को याद करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वो सदन में होती तो आज वो इस विपक्ष के रूप में यहां से बहस को खोलती। मैं मेरे दादाजी को भी याद करूंगी। और आज 5 मार्च 2021 में पेयजल पे चर्चा है, ये दिन मेरे लिए बड़ा अहम है। 5 मार्च 2009 को मैं सार्वजनिक जीवन में आई और मैं पहली बार, मेरे दादाजी ने एक जनसभा के माध्यम से मुझे जनता से मुखातिब किया और उनके हाथों में सौंपा, जिसके अस्तित्व की पहचान से मैं यहाँ हूँ। मेरे पिता का जन्मदिन है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में दवा अपना काम करिए, दुआएं आप सबकी साथ देंगी, मुझे आशा है। किसान वर्ग से आते हैं इसलिए खेती करते हैं, जानते हैं पानी की अहमियत को, और उससे कहीं अधिक रेगिस्तान से आते हैं तो बूंद बूंद की बारी की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। 2009 के बजट के अंदर अनेकों पेयजल की योजनाएं की घोषणा करी और स्वीकृति हुई। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के बोलकर बाकी दूसरे एजेंडे पर आऊंगी, जिसके अंदर आपके इस प्रतिवेदन के अंदर 24.8 के ऊपर जलदाय योजना पांचला घेवड़ा चेरई, 24.9 के ऊपर जलदाय योजना तिवरी मथानिया ओसिया बावड़ी भोपालगढ़, और तीसरी परियोजना थी भेड़हलाय पेयजल योजना। बाकी की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी, लेकिन तीसरी योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। सरकार बदल गई और बदले की भावना से काम करते हुए उन्होंने इसके वित्तीय संसाधन इनको नहीं दिए। हमारी प्राथमिकता थी कि उन गांवों में रेगिस्तान के अंदर हिमालय का मीठा पानी चले, जो किलोमीटर घड़े चलाकर हमारी बहनें चलती हैं। हमने उनको वादा किया था, मेरे पिता ने कहा था, आपके सर से हम घड़े उतरवाने का काम करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसे पहले बजट के अंदर आप करिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में पहले पानी आया था और अब की बार नहीं आया तो इन धानियों में कभी मीठा पानी नहीं आएगा। मुझे खुशी है मंत्री महोदय जी कि मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री के क्षेत्र में जितना पानी का काम होता है बराबर एक कबीना मंत्री के जितना मेरे क्षेत्र में काम हुआ है। मेरे पास कोई मांग आपके लिए पानी के क्षेत्र में करने की नहीं है। पांचला घेवड़ा ऑन फाइल आपने 150 करोड़ कर दिए, 600 करोड़ की भेड़ हल्लाया मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, और पहले नंबर पे उस स्कीम को, पहले दो नंबर पे मुख्यमंत्री जी ने उसको की ये प्रतिबद्धता संकल्पबद्धता पानी के प्रति हमें बताता है। पांचला घेवड़ा के संबंध में मैं एक संक्षिप्त में बात कहना चाहती हूँ कि द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देर इज अ इंक्वायरी गोइंग ऑन देर, देर इज एन ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज मेड हियर बिकॉज द प्रीवियस हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक चैनल वॉज वर्किंग एज इफ ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर्स एडवोकेट। आई होप टू सी न्यू चेंजेस हियर। और बार बार आता है कि उसको मुख्यमंत्री जी से उसकी उसका शिलान्यास कराया जाए। आई वुड लाइक देर शुड बी एन इंक्वायरी सेटअप और उनके काम की चेकिंग होनी चाहिए। मैं दूसरी चीज इस पे आना चाहती हूँ उसको, और इसके क्रियान्वयन के लिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि अब पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मैं आगे तक लोहावट तक इसको कवर कर रही हैं, ये बड़ी स्कील्स हैं, वृहद स्कीम्स हैं। जन एक एएन ऑफिस तिवरी के अंदर आप करें ताकि हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। जॉन एफ कैनेडी पूर्व राष्ट्रपति यूएसए ने कहा था, जो कोई भी पानी की समस्या का समाधान कर देता है उसे 2 नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए, एक विज्ञान के लिए और वह दूसरा शांति के लिए। एंड मैं दो पॉइंट्स पे मेजरली जेजेएम को फोकस करूंगी, बहुत छोटी स्पीच अपनी रख रही हूं। 2009 से 13 के अंदर सबसे पहली बार सीरियस एफर्ट्स लिए गए कांग्रेस की सरकार में, नियोजित फोकस एजेंडा के साथ काम किया। हमारे कार्यकाल में घरसाना और सायला जैसे प्रकरण नहीं हुए। जल नीति 2010, जल नियामक अधिनियम 2012 जैसे सुधारात्मक वाटर रिफॉर्म्स हमारे कार्यकाल में हुए। यूरोपियन यूनियन के 400 रुपए की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी बाध्यकारी शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन राजनीतिक क्लाम के बाद इन्होंने उसको दरकिनार किया। बीजेपी की व्यास कमेटी बीजेपी के गठन की थी, उसकी रिपोर्ट्स व सिफारिशों को आपने दरकिनार किया, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक नफा नुकसान नहीं देखती। वी आर कमिटेड टू पब्लिक वेलफेयर और पानी के प्रति हम राजनीति नहीं करते। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि जहां से विपक्ष के नेता आते हैं वहां पे देवास की जो योजना लालजी सुखाड़िया के टाइम में आती थी, देवास की 2 और 3 की 100 करोड़ की सैंक्शन हमने राजनीति से ऊपर देके दी थी कि हमें पानी की परियोजना में पानी पर राजनीति नहीं करनी है। 2010 के अंदर जल नीति लागू हुई, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड हियर, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री प्लानिंग का प्रोसेस अगर कहीं शुरू हुआ तो राजस्थान के अंदर हुआ 2009 के अंदर। उसके कंपोनेंट्स थे IWQM, विकेंद्रित ग्राम स्तरीय जल योजना तैयार करना कार्य करके हाथ में लिया गया।
ग्राउंड वाटर एक्वीफायर स्टडी करवाई गई जिससे प्रत्येक एक्वीफायर में भूजल का पता चले और रिचार्जिंग का कार्य इस आधार पर प्लान किया जाए। वाटर स्टेट वाटर स्टडी कराई गई जो 1995 के बाद में 2009 के अंदर दोबारा हुई और प्रत्येक बेसिन में सतही जल का आकलन हो सके और वर्ल्ड रेनाउंड कंसल्टेंसी तहल कंसल्टेंसी को इसके लिए कहा दिया गया। बड़ी सिंचाई परियोजना में एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए बेंचमार्किंग स्टडी कराई गई। ग्रामीण व शहरी पेयजल के लिए भी बेंचमार्किंग स्टडी कराई गई। एक बहुत बड़ा पेयजल और सिंचाई के लिए कॉम्प्रोहेंसिव डेटाबेस तैयार किया गया एंड दीज वाटर्स, इतने बड़े वाटर के सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए और इतना बड़ा जो डेटाबेस उपलब्ध कराया गया, बीजेपी ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। जल नीति को भी डस्टबिन में डाल दिया, इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा डेटाबेस हमारे पास में, दिस ह्यूज डेटाबेस जो फ्यूचर प्लानिंग के लिए काम आएगा, सारी कमियों को देख सकता है, आप उसको यूज करें। एग्जिस्टिंग स्कीम्स की एफिशिएंसी लेवल पर लाने के लिए पैसा कितना लगेगा, पानी लीकेजेस, पानी बहकर जा रहे हैं कहां पर, कितना, उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे, उसमें डेटाबेस काम आएगा। अंधेरे में लठ मारने से कुछ नहीं होगा। मैं जेजेएम पे आना चाहूंगी, जिसके लिए जब जेजेएम की बात होती है तो बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि 15 अगस्त को 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2024 तक घर घर नल पहुंचा देंगे और उसके अंदर 50-50 की हिस्सेदारी दी। एंड आई हियर अगेन टेक अ लॉट ऑफ प्राइड जिस जल शक्ति मिशन पे कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने क्या 70 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने वही कंपोनेंट्स पिकअप किए जो हमारे वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स में, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो 2009 के अंदर पहली बार राजस्थान के अंदर पिकअप किए लिए गए थे, स्टार्ट किए गए थे। जेजेएम इज बेस्ड ऑन व्हाट वाज डन इन 2009। आईडब्ल्यूक्यूएम वाटर प्लानिंग विलेज लेवल पे, ग्राउंड वाटर एक्वाफाई स्टडी, ऑल दीज कंपोनेंट्स वर स्टार्टेड इन 2009 हियर। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि DRDWP के तहत वाटर स्कीम्स में पहले 90% राशि मिलती थी। पहाड़ी राज्यों की भांति राजस्थान को भी केंद्र सरकार विशेष राज्य बताते हुए 90% अनुदान उनको देना चाहिए और खास करके विशाल क्षेत्रफल, मरुस्थलीय भूभाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, आबादी का कम घनत्व, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अनियमित व अनिश्चित मानसून पर निर्भरता, बार बार अकाल की समस्या, लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस तरीके के कॉस्ट ऑफ जो डिलीवरी है वो बहुत ज्यादा अत्यधिक आती है, छितराई हुई ढानियों के कारण। और मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट जेजेएम के अंदर ही कहना चाहूंगी कि इसके अंदर पहले 70 LPCD वाटर था मरुस्थलीय एरिया के लिए, बाकियों के लिए 40 था और अब इन्होंने जेजेएम के लिए 15 LPCD पैन इंडिया पैन कर दिया है। 30 LPCD एक्स्ट्रा एटलीस्ट रेगिस्तानी एरियो के लिए होना चाहिए। और एक जो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हम जेजेएम का पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ वहां से आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, एक चीज जो उन्होंने कही है कि जितने भी पाइप वाटर स्कीम्स हैं उनको रेट्रोफिटिंग प्रपोजल्स करके कंप्लाइंट टू जेजेएम करके आप 31 मार्च 2021 तक करिए, जिसके अंदर 43 विलेजेस में 26,000 विलेज में ये होना बाकी, और अगर 31 मार्च तक ये नहीं आएगा वी विल नॉट गेट फंड और एक ह्यूज लॉस स्टेट को होगा। मानवीय दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। देयर इज वन मोर पॉइंट जो मैं इसको कहना जेजेएम में कहना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में ग्रामीणों का 10% हिस्सा राशि अनिवार्य जोड़ी गई है और इस क्षेत्र में जब गरीब किसान ढानियों में बसते हैं तो प्रति घर यह हिस्सा राशि लगभग 10,000 भी आ सकती है। गरीब कृषक द्वारा दे पाना कठिन होगा, इस कारण यह योजना वंचित रह जाएगी और इसके अंदर मानवीय दृष्टिकोण रखकर बहुत सारे सुधार, एक समय का अभाव है। मुझे पिछली बार पेयजल के ऊपर 2 मिनट दिए थे और मैंने सदन से वॉकआउट कर दिया था, इस बार थोड़ा सा दिल आपने उदार रख दिया। माननीय सदस्य जो चूरू से आते हैं उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा था, गालिब के खतूत का उन्होंने हवाला नहीं दिया क्योंकि वो खतूतों के दंश से डसे हुए थे और यही खतूत, इन्हीं खतूत वालों को प्रधानमंत्री जी ने भी अश्कबार आंखों से रुखसती दी लेकिन किसानों को श्रद्धांजलि ना दे सके। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी पानी हम जाने नहीं देंगे, ब्लड एंड वाटर के नॉट फ्लो टुगेदर। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये किसानों के हक का पानी है और हम पाकिस्तान नहीं जाने पाएंगे, उस पर कुछ नहीं कर पाए। किसानों के प्रति आप क्या कर रहे हैं, आप कितना रखते हैं, ये आपका चरित्र दिख रहा है। आप कीले लगा रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, लट बजा रहे हैं, बट द ट्रूथ इज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी स्टॉप्ड बट वाटर विल कंटिन्यू टू फ्लो। आपको बहुत हम्बली अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। पानी समुंदर में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं।
और मैं सदन में आई हूँ, अभी कोई मिर्ची की बात कोई कह रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत सब्जियाँ होती हैं, हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध मिर्ची होती थी और वो ब्लॉक्स बिल्कुल ही एक्सप्लॉयटेड हो गए, तो इसलिए मिर्ची नहीं होती, लेकिन उस मिर्ची का काम मैं कर देती हूँ स्वयं ही। और मैं शिवमंगल सुमन की ये बात पढ़ना चाहूँगी, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार है क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष